हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर रुचिका गर्ग फ्रॉम SN मेडिकल कॉलेज आगरा। आज मैं आपको बताऊंगी कि रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपॉज यानी महावारी बंद होने के बाद महिलाओं को अपने खान पान का कैसे ध्यान रखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मीनोपॉज के बाद क्योंकि बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है और जो हार्मोन एस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है, इसलिए वेट गेन की वज़न बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि कितना हमारा वेस्ट सरकमफ्रेंस है यानी कमर का नाप है वो इंडियन पॉपुलेशन में या एशियन पॉपुलेशन में नॉर्मल है। तो 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए आपकी कमर। और जो वेस्ट हिप रेशो है, वेस्ट को आप अम्बलाइकस यानी कि टुंडी के लेवल पे लेंगे और जो हिप है उसको एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के लेवल पे लूजली अटैच करके लेंगे, तो जो वेस्ट का सरकमफ्रेंस आता है और जो हिप का आता है वो लेस देन 0.8 होना चाहिए जो रेशो है। तो ये तो हुई नॉ। और मेल्स में वेस्ट सरकमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए क्योंकि मीनोपॉज के समय जो है मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो नॉर्मल फीमेल्स में गायनाकॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि कमर पे जो ज़्यादा पीछे की तरफ जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ जमता है फैट, लेकिन महावारी बंद होने के बाद ये जो है पेट पे जमना शुरू हो जाता है। इसे हम एंड्रोजेनिक ओबेसिटी कहते हैं यानी मेल पैटर्न टाइप फैट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पियर शेप्ड जो लेडी की बॉडी होती है पियर शेप्ड से वो एप्पल शेप्ड हो जाती है। तो ये पेट पे जो फैट जमा होना है ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन सब का प्रिकर्सर होता है, यानी कि इसके बाद इन सब के होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डाइट में कितने कार्बोहाइड्रेट्स हों, कितने प्रोटीन्स हों, कितने फैट हों। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी डाइट का 40-50% जो है पार्ट वो कार्बोहाइड्रेट से यानी कि सीरियल से यानी कि होना चाहिए, जिसमें कि ब्राउन राइस आप ले सकते हैं अनपॉलिश्ड, और अगर आटा है तो मैदा को अवॉइड कीजिए, रिफाइंड फ्लोर और तरह के ओट्स या जौ ज्वार ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, बाजरा मक्का सीज़न के अकॉर्डिंग वो सब यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है फैट। तो 20-25% हमारी जितनी कैलोरीज हैं वो फैट से होनी चाहिए। उसमें जो है घी टोटल कैलोरीज से 7% होना चाहिए, घी बटर या सैचुरेटेड फैट हम जिसे कहते हैं। ट्रांस फैट हमें अवॉइड करना है और फिश वगैरह में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं कॉड लिवर ऑयल में, तो वो सब यूज़ करना चाहिए बिकॉज उसमें DHA होता है जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं बात प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है 0.8 से 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। प्रोटीन तो एक एवरेज सपोज 60 केजी की लेडी है तो उसे 60 ग्राम्स प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको एक बार में नहीं लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स ले लिए या टोस्ट ले लिया, फिर फ्रूट्स ले लिया और रात में हैवी मील ले ली जिसमें कि आपने प्रोटीन्स ले लिए, चिकन ले लिया या, तो नहीं, आपको प्रोटीन को थ्रू आउट द डे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60 केजी तो 20-20 ग्राम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में आपको लेना है। तो प्रोटीन्स के क्या क्या सोर्सेज हैं, जो हमारी अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो जो जितनी भी दालें हैं सोयाबीन है, छोले राजमा, और दूध सबसे अच्छा सोर्स है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पनीर, घी, चीज़ और दही। दही लेने के और भी एडवांटेजेस हैं कि हमारा जो पेट का माइक्रोबियल फ्लोरा है वो मेंटेन रहता है हमारे जो इंटेस्टाइन्स का, तो उससे पेट में इन्फेक्शंस वगैरह अवॉइड होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा बात करते हैं कैल्शियम की। तो नॉर्मल लेडी में कैल्शियम 800 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मीनोपॉज में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, 1000-1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है, कुछ लोग दूध नहीं लेते हैं या किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या फिर कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। और विटामिन डी का बहुत ही सिंपल सोर्स है वो है धूप। इसके अलावा कुछ लोगों को मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं यानी कि पेट में प्रॉपरली कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोक्स होती हैं, उनमें फॉस्फरस बहुत होता है, तो फॉस्फरस कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम करता है। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम को सोडियम यानी नमक के साथ या फिर आप उसके साथ लेते हैं प्रोटीन्स के साथ या ऑक्सलेट्स जो कि हमारे इसमें होते हैं अनाज में, इसके साथ अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम होता है।
इसी तरह कभी कभी डॉक्टर आपको खून की कमी के लिए आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आयरन टैबलेट्स के साथ आप कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। इसी तरह अगर पेशेंट एंटासिड्स ले रहे हैं और एंटासिड्स के साथ कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो दूध बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए, पनीर है। और पहले तो हमें अपनी डाइट से ही प्रॉपर कैल्शियम लेना है, अगर उसके बाद जो डेफिशिएंसी है उसे हमें सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना है। कहा जाता है कि 500 मिलीग्राम कैल्शियम एक बार में इतना ही अब्जॉर्ब हो सकता है अगर सप्लीमेंट्स के फॉर्म में हम लें तो। कैल्शियम के अलावा विटामिन डी हमें कैसे लेना है, विटामिन डी के लिए धूप बहुत अच्छा सोर्स है। उसके लिए डिपेंड्स कि आप कौन सी जगह रहते हैं, वहाँ पे कितनी धूप है, आप हिली एरिया में रह रहे हैं या प्लेट्यू में रह रहे हैं। तो जो है 10 बजे से लेके सुबह 3 PM तक हाफ आवर आपको विटामिन डी यानी सन में बैठना चाहिए, जिसमें कि आपका 20% एरिया बॉडी का एक्सपोज्ड हो। मतलब कि बाकी में आपने कपड़े पहन रखे हों लेकिन 20% तो आपको विटामिन डी प्रॉपर मिल सकता है। और कुछ लोगों को जैसे कि एंटी थायरॉयड ड्रग्स चल रहे होते हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं तब भी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो और कैल्शियम के क्या सोर्सेज हो सकते हैं, मखाने हैं, स्पिनैक है, पालक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब। इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, हम सब जानते हैं ये पालक बहुत अच्छा उसका सोर्स है। वैसे ही और जिंक, क्रोमियम, ये सब जो है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्शन साइज़ की। जो हमारी एक प्लेट होती है उसको हम अगर चार भागों में डिवाइड करें तो हाफ पार्ट में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए और बाकी 1/4 में हमें सीरियल्स और बाकी 1/4 में हमें प्रोटीन। तो जो हाफ पार्ट जो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बनाना है उसमें से भी वी हैव टू टेक मोर ऑफ वेजिटेबल्स दैन फ्रूट्स। तो लेकिन ऐसा हमारी इंडियन डाइट में होता नहीं है क्योंकि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ही कम खाते हैं। तो और जो हाफ 1/4 प्रोटीन है उसमें आपको फिश से या फिर चिकन से, रेड मीट अवॉइड करना है, इनसे आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। वेजिटेबल्स में दालें हैं ही, आपका दूध है, और सीरियल्स में आपका डिफरेंट तरह के अनाज हैं जिनसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको एनर्जी देते हैं इंस्टिंक्ट। अगर आपको शुगर लेनी है तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में लीजिए, जैसे कि आप किशमिश खाइए या फिर मुनक्के खाइए या फिर डेट पाम खाइए यानी खजूर खाइए। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, सिंपल शुगर्स नहीं है। सिंपल शुगर यानी कि जो चीनी हम लेते हैं उससे एकदम से ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है, तो माइंड को क्रेविंग होती है मीठा लेने की बार बार। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे खाना खाने के बाद मीठे की ज़रूरत है, ये बिकॉज़ योर ब्रेन इज़ अकस्टम टू इट। आपको एकदम से जो काबो है सिंपल शुगर से जो ग्लूकोज हाइक होता है तो ब्रेन को एक रिवॉर्ड टाइप मिलता है, तो वो बार बार उसे और डिमांड करता है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं तो एक तो आपकी शुगर लेने की हैबिट नहीं बनेगी क्योंकि वो धीरे धीरे ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, तो आपको उसका डाइजेशन भी ईजी होगा और आपको सिंपल कैलोरीज आप नहीं लेंगे। तो उसके अलावा आते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस जो मीनोपॉज में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लेडीज़ में मीनोपॉज के बाद जो ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन बना रही होती हैं वो अब बहुत कम हो जाता है। तो फाइटो मींस प्लांट्स से भी हम एस्ट्रोजन के कुछ सोर्सेज होते हैं, उसमें हमें आता है फ्लैक्स सीड्स, लेंटिल्स, सोयाबीन, चिकपी यानी कि छोले, राजमा, मूँगफली, सोयाबीन, दालें और फ्लैक्स सीड्स, ये सब बहुत फाइटोएस्ट्रोजेंस के सोर्स हैं। क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजेंस की कमी की वजह से, मतलब एस्ट्रोजन की कमी से वजह से महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं कैल्शियम की कमी से भी, तो यानी कि फ्रैक्चर्स होने के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मीनोपॉज के बाद। इसलिए उसको डाइट एंड एक्सरसाइज का बहुत ही ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई कि हम कैसे विटामिन डी लें, फाइटोएस्ट्रोजेंस लें डाइट में। इसके अलावा जो हमारा सिन्नामम है, मेथी है, फेनुग्रीक है, सौंफ है और फ्लैक्स सीड्स रोस्ट करके या फिर सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब बहुत अच्छे सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, फिलिंग भी होते हैं और इनसे आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं जाती। तो सिनेमम यानी दालचीनी, आप इनको, ये हमारी मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाते हैं। तो हमारी जो इंडियन जितने भी स्पाइसेस हैं मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएंगे तो हमारा डाइजेशन बेटर होगा और हमारी जो कैलोरीज हैं वो इजीली बर्न होंगी। तो इन सबको अपना डाइट में शामिल कीजिए। पानी बहुत अच्छे से पीना है,
पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा चाय या आपको कॉफ़ीज़ कम ही रखनी है। सॉल्ट जो है, नमक 5 ग्राम से ज़्यादा आइडियली नहीं लेना चाहिए, 3 to 5 ग्राम्स है। और उसमें सर्विंग्स भी रहती हैं कि आप कितना वीक में एक बार मीट ले सकते हैं या फिर कितनी बार दूध पीना है। 500 से 600 ml दूध जो है लेने से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम डाइट के और सोर्सेज से भी लेंगे। तो लीड अ हैप्पी लाइफ, और यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।